ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा की 5 चमत्कारी चौपाइयां जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। धार्मिक उपदेशों ग्रंथों में वह ताकत है जो हमारे दुखों का निवारण करती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, जब भी हम परेशान होते हैं तो अपनी समस्या के हल पाने के लिए शास्त्रीय उपायों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसे आप चमत्कार कह लीजिए, लेकिन शास्त्रों में हमारी हर समस्या का समाधान है। यदि हम निर्देशों के अनुसार उपाय करते चले जाएं, तो सफल जरूर होंगे। इसलिए आज हम आपको हनुमान चालीसा के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सुखी बना देंगे, वो सक्षम और सिद्ध बना देंगे। भगवान हनुमान को समर्पित हनुमान चालीसा के बारे में कौन नहीं जानता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई हनुमान चालीसा में वह चमत्कारी शक्ति है जो हमारे दुखों को हर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है? चलिए इसका जवाब हम आपको एक पौराणिक कथा के द्वारा दे देते हैं। यदि आप हनुमान जी के बाल अवतार से परिचित हैं तो शायद आपने कहानी सुन रखी होगी कि बचपन में जब हनुमान जी को काफी भूख लगी थी तो उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को एक फल समझ लिया था। उनके पास तब ऐसी शक्तियां थी जिसके द्वारा उड़कर सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर शस्त्र से प्रहार कर दिया, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी के मूर्छित होने के बाद जब वायुदेव को पता चली तो वे काफी नाराज हुए कि उनके पुत्र थे। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियां दी। सबने कई शक्तियां दी उनको। कहते हैं कि सभी देवतागण ने जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताओं को बताते हुए शक्ति प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। इसलिए हनुमान चालीसा को चमत्कारिक माना गया है। परंतु हनुमान चालीसा में तो कोई मंत्र है ही नहीं, फिर मंत्रों के बिना वह चमत्कारी प्रभाव देने में सक्षम कैसे? दरअसल हनुमान चालीसा में मंत्र ना होकर हनुमान जी की पराक्रम की विशेषताएं बताई गई हैं। कहते हैं कि इन्हीं का जाप करने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा के उन 5 चौपाइयों के बारे में जिनका यदि आप नियमित सच्चे मन से वाचन करते हैं तो वो आपको परम फलदायी सिद्ध होगा। हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार को करना परम शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को पढ़ते समय उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंत्र का उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का निरंतर जाप उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे किसी का भय सताता है। इस चौपाई का नित्य रोज प्रातः और सायंकाल में 108 बार जाप किया जाए तो सभी प्रकार के भय से उस बंदे को मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी चौपाई है, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमारियों से घिरा है, अनेकों इलाज कराने के बाद भी सुख नहीं पा रहा है, तो उसे इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप निरंतर सुबह शाम 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्द ही व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। वैसे तो लोग हनुमान चालीसा पूरा पढ़ते हैं, स्पेशली जिनके पास टाइम नहीं है तो पार्टिकुलर जो चौपाई है उसको आप निकाल के कर सकते हैं। तीसरी चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। इसका मतलब है यह चौपाई व्यक्ति की समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।
यदि किसी को भी जीवन में शक्तियों की प्राप्ति करनी हो ताकि वो कठिन समय में खुद को कमजोर ना पाए, तो नित्य रोज ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इन पंक्तियों का जाप करें और लाभ आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। फिर चौथी चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो इन पंक्तियों के जाप से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार ध्यान पूर्वक जप करने से व्यक्ति के धन संबंधित जितने दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। अब पांचवी चौपाई है, भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संहारे। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संहारे। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कार्य में विघ्न प्रकट होते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उपरोक्त दी गई चौपाई जो हमने बताया आपको उसमें 108 बार जाप करें, लाभ आपको निश्चित रूप में होगा। हनुमान चालीसा का अपना एक महत्व है। हनुमान चालीसा का महत्व केवल इन पांच चौपाइयों तक सीमित नहीं है, पूर्ण हनुमान चालीसा का भी अपना एक महत्व है एवं इस पाठ को पढ़ने का लाभ है जिससे आम लोग अनजान हैं। और हनुमान जी आज भी, मतलब उनको तो अमर होने का वरदान था तो आज भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान जी की आराधना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ सर्वमान्य साधन है। इसका पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है उतना किसी और वंदन या पूजन आदि में दिखाई नहीं देता है। श्री हनुमान चालीसा के रचनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी मानते हैं, इसलिए रामचरितमानस की भांति यह हनुमान गुणगाथा फलदायी मानी गई है। तो फायदा जबरदस्त है, आपको इस्तेमाल करना है। यह बात केवल कहने योग्य नहीं है, अभी तो भक्तों का अनुभव है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशानियों से लड़ने की ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो आ जाएगा कि भाई हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो यदि आप भी दिल से पवन पुत्र हनुमान चालीसा की भावपूर्ण वंदना करते हैं तो आपको न केवल बजरंगबली का अपितु साथ ही श्रीराम का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाएं या फोटो के सामने जाएं तो कहें जय श्री राम, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, क्योंकि हनुमान जी को श्री राम नाम बड़ा ही प्रिय है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।